हेलो फ्रेंड्स, तो जैसा कि मैंने कहा था कि बहुत जल्दी ही ब्रेसेस से रिलेटेड वीडियो आने वाली है, सो हेयर इट इज़। और आज के इस वीडियो में आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल जाएंगे, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और हाँ, बैकग्राउंड से थोड़ी सी फ़ैन की नॉइज़ आएगी तो उससे भी मैनेज कर लेना, क्योंकि इतनी देर बिना फ़ैन के बैठना पॉसिबल नहीं है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो होता है वो होता है कि हमें ब्रेसेस क्यों लगवाने चाहिए एंड कब लगवाने चाहिए। तो देखिए, अगर आपके टेढ़े मेढ़े दांत हैं, अगर आपके दांत आगे की तरफ निकले हुए हैं, अगर आपके टीथ के बीच में गैप है, और अगर आपके टीथ एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, या फिर आपको ओपन बाइट्स की प्रॉब्लम है, देन आपको ब्रेसेस ज़रूर लगवाने चाहिए। अब बात आती है कि ब्रेसेस कब लगवाने चाहिए। तो देखिए, ब्रेसेस लगवाने का कोई ऐसा फिक्स टाइम नहीं होता, बट हाँ, अगर आप अपने टीनेज में ब्रेसेस लगवाते हैं तो वो ट्रीटमेंट जल्दी ख़त्म हो जाती है, एंड अगर आप अपने अडल्टिंग में ब्रेसेस लगवाते हैं तो वो ट्रीटमेंट थोड़ी सी लंबी जाती है, क्योंकि जैसा कि पता है टीनेज में हमारी बॉडी ऑलरेडी चेंज हो रही होती है, तो उस बीच में अगर हम कोई भी चेंजेस ऐड करेंगे तो हमारी बॉडी बहुत जल्दी उसे एक्सेप्ट कर लेगी। लेकिन जब हम एक अडल्टिंग बॉडी में या अडल्ट हो चुके बॉडी में जब हम कोई भी चेंजेस करते हैं तो बॉडी को टाइम लगता है उसे एक्सेप्ट करने में। अब अगर आप पूछेंगे कि मुझे क्या प्रॉब्लम थी जिस वजह से मैंने ब्रेसेस लगाया, तो मुझे ओपन बाइट्स की प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से मैंने ब्रेसेस को चूज़ किया। अब ओपन बाइट्स क्या होते हैं, क्यों होते हैं? तो अगर आपका टंग आपके टीथ पर रेस्ट करता है या कंटिन्यूसली आपके टीथ को फोर्स करता है या उस पर टच होता है, देन आपको ओपन बाइट्स की प्रॉब्लम हो जाती है। ओपन बाइट्स की प्रॉब्लम के लिए बहुत सारे ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं, जैसे मुझे जो जो ट्रीटमेंट्स बताए गए थे, पहला ट्रीटमेंट था कि जॉ सर्जरी, जिसमें जॉ को काटकर यहाँ पे दो क्लिप्स लगाकर जॉ को बड़ा किया जाता है, फिर ब्रेसेस लगाए जाते हैं। सेकेंड था कि जिसमें जो हमारा ऊपर का तालू, जिसको हम लोग बोलते हैं, यानी अपर सर्फेस हमारे माउथ का, वहाँ पर दो क्लिप लगाकर एंड स्प्रिंग लगाकर उस सर्फेस को बड़ा किया जाएगा एंड देन ब्रेसेस लगाए जाएंगे। थर्ड जो ऑप्शन मुझे मिला था वो था हैबिट ब्रेकर का। तो हैबिट ब्रेकर कैसे दिखते हैं, यहाँ पे मैं पिक्चर्स अपलोड कर दूंगी। ये कंटिन्यू इसलिए हमारे टंग को पोक करते रहते हैं, जिससे हमारे टंग की हैबिट चेंज हो जाती है और वो हमारे टीथ को बार बार टच नहीं करते। लेकिन एक टंग की हैबिट चेंज करना इजी नहीं है, टंग की हैबिट चेंज करने में 1 से 2 साल का समय लग जाता है एंड उसके बाद मेरे ब्रेसेस लगते हैं। तो यानी टोटल मुझे 4 इयर्स का टाइम लग जाता। अब उतना टाइम मेरे पास तो नहीं था, तो एंड में मैंने ओनली ब्रेसेस वाला ही ट्रीटमेंट चूज़ किया। इसमें मुझे डेंटिस्ट ने कहा कि वो 2 साल में ब्रेसेस से ही मेरे टीथ को अलाइन कर देंगे, अगर 2 साल से ज़्यादा भी लगे तो हार्डली 2.5 ईयर्स या मिनिमम 3 ईयर्स लगेंगे, मैक्सिमम 3 ईयर्स लगेंगे, तो चलो उतना तो ठीक है। हम बात करेंगे क्या ब्रेसेस लगवाने के लिए टीथ एक्सट्रैक्शन इंपॉर्टेंट होता है, तो वो डिपेंड करता है आपके टीथ के ऊपर। अगर आपके टीथ के बीच में बहुत ज़्यादा गैप है तो आपको टीथ एक्सट्रैक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज आपके टीथ में ऑलरेडी गैप है जिससे टीथ को मूव करना ईजी रहेगा। लेकिन जिनके टीथ के बीच में कोई भी गैप नहीं होते या ओवरलैप करते हैं टीथ एक दूसरे से, तो उनको टीथ एक्सट्रैक्शन की ज़रूरत पड़ती है, बिकॉज टीथ को मूव करने के लिए उनके बीच में गैप की ज़रूरत पड़ती है। तो अब बात करते हैं कि कितने टीथ की एक्सट्रैक्शन की ज़रूरत पड़ती है, वो डिपेंड करता है आपके टीथ के ऊपर। अब वो मैं क्लियरली नहीं बता सकती, वो डेंटिस्ट ही क्लियरली बता सकते हैं, बट मेरे कितने टीथ एक्सट्रैक्टेड किए गए हैं, तो मेरे 4 टीथ एक्सट्रैक्ट किए गए हैं, ऊपर के 2, नीचे के 2। अब बारी आती है कि टीथ एक्सट्रैक्शन में क्या पेन होता है। तो टीथ एक्सट्रैक्शन ऑब्वियसली पेन होगा ही, बिकॉज इट इज़ अ पार्ट ऑफ योर बॉडी जिसे खींच कर आपकी बॉडी से अलग किया जाता है, उसमें कोई भी डिफेक्ट नहीं है बट स्टिल उसे अलग किया जाता है, तो आपको पेन होगा ही होगा। टीथ एक्सट्रैक्ट करने के भी ड्यूरेशन होते हैं, ऐसा नहीं होता कि एक ही दिन में आपके 4 टीथ ही निकाल दिए जाते हैं, ऐसा नहीं होता। आपको टाइम गैप दिया जाता है जिससे आप एक पेन से रिकवर कर पाए, फिर आपके नेक्स्ट टीथ को रिमूव किया जाता है या एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो मेरे फर्स्ट डे में मेरे 2 टीथ एक साथ एक्सट्रैक्ट किए गए थे एंड उसका पेन तो एक्सट्रीम था, क्योंकि मैं एट द फर्स्ट आई वाज नॉट रेडी फॉर द पेन। मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि कितना पेन होता है एंड कैसा लगता है। मैंने सुना था कि हाँ पेन तो होता है, मुझे भी पता था पेन तो होगा ही, लेकिन एट द फर्स्ट मैं बिल्कुल रेडी नहीं थी। जो पेन मुझे हुआ मैं उसके लिए रेडी नहीं थी एंड मैंने स्टार्टिंग में मुझे बहुत तकलीफ हुई। मैं नेक्स्ट टाइम जब मैं जाती हूँ टीथ एक्सट्रैक्शन के लिए, तो पहले तो मुझे पता था कि मेरे अब जो दो टीथ जो बचे हैं वो एक्सट्रैक्ट हो जाएंगे, लेकिन डेंटिस्ट ने कहा कि नहीं, हम दोनों टीथ को एक साथ अब एक्सट्रैक्ट नहीं करेंगे, बिकॉज आपको बहुत पेन होगा अदरवाइज़, हम अब 1 बाय 1 एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो फिर नेक्स्ट वीक यानी मेरे फर्स्ट जो दो टीथ थे वो एक्सट्रैक्ट हो गए, उसके 1 वीक बाद मेरा एक और टीथ एक्सट्रैक्ट हुआ, देन इसके एक और वीक बाद मेरा 4th नंबर वाला टीथ एक्सट्रैक्ट कर लिया गया। तो एक क्वेश्चन ये है कि क्या ब्रेसेस में पेन होता है।
तो ब्रेसेस में पेन होता है या नहीं ये मैं कंफर्म नहीं बता सकती, क्योंकि मुझे तो पेन बिल्कुल नहीं हुआ। मेरी फर्स्ट टाइटनिंग भी हो चुकी है, मुझे कुछ भी पेन नहीं हुआ। बट हाँ, वो जस्ट 1 वीक का थोड़ा सा अनकंफर्ट रहता है। अब ये ऑब्वियसली बात है, आपके माउथ में अचानक से कुछ और ऐड कर दिया जाता है जिसकी आपके माउथ की हैबिट नहीं होती, आपके माउथ को हैबिट नहीं होती उस चीज़ की, एंड तो अनकम्फर्ट रहेगा ही ऑब्वियसली। और रही बात कट्स लगने की, तो हाँ, स्टार्टिंग के 1 वीक में मुझे बहुत कट्स लगे हैं, बहुत एक्सट्रीम। एंड मेरे डेंटिस्ट ने मुझे वैक्स भी नहीं दिया था। अगर आपके डेंटिस्ट आपको वैक्स देते हैं तो वेल एंड गुड, बट मेरे डेंटिस्ट ने कहा था कि देखिए आप वैक्स ना ही यूज़ करें तो ही अच्छा। ये बात मैं भी मानती हूँ, क्योंकि आप वैक्स यूज़ करेंगे तो आपके माउथ को जो है ब्रेसेस की हैबिट नहीं पड़ेगी। जब आप जैसे ही आपके वैक्स आप रिमूव कर दोगे देन अगेन आपको कट्स लगने स्टार्ट हो जाएंगे। तो इससे अच्छा है कि आप वैक्स ना ही यूज़ करें, 1 वीक तक आप किसी तरह से बियर कर ले पेन को, क्योंकि 1 वीक के बाद जब आपके माउथ को हैबिट हो जाएगी ब्रेसेस की तो आप बिल्कुल कंफर्टेबल हो जाएंगे ब्रेसेस के साथ। अदरवाइज अगर आप वैक्स यूज़ करेंगे तो आपको वैक्स की हैबिट हो जाएगी। और रही बात क्या टाइटनिंग के बाद पेन होता है, तो फर्स्ट टाइटनिंग मेरी हो चुकी है, मुझे कुछ भी पेन नहीं हुआ ऑनेस्टली स्पीकिंग। इवन मुझे लगा था कि अगेन 1 वीक तक मुझे अनकम्फर्ट रहेगा, बट ऐसा कुछ नहीं था। 2 दिन बाद से मैं बिल्कुल नॉर्मल हो गई। मुझे ऐसा लगा कि हाँ कुछ हुआ ही नहीं है, ऐसा मुझे लग रहा था। मैं सब कुछ खा पा रही थी, इवन मैं रोटियां भी खा पा रही थी, बट जब मेरे फर्स्ट टाइम ब्रेसेस लगे थे तो 1 वीक नहीं 1 मंथ तक मैं रोटियां नहीं खा पाती थी। मुझ में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी कि मैं रोटी चबा लूँ, बट 1 मंथ के बाद से मैंने धीरे धीरे रोटी खाना स्टार्ट कर दिया। तो अब मैं रोटी पराठा सब कुछ खा सकती हूँ, पूड़ियाँ भी मैं खा लेती हूँ। तो ये डिपेंड करता है, अगेन मैं वही चीज़ बोलूँगी कि ऐसा नहीं कि मुझे पेन नहीं होता तो किसी और को नहीं हुआ होगा, बट हो सकता है। ये सबके अलग अलग बॉडी पे डिपेंड करता है, किसकी कितनी पेन बियरिंग एबिलिटी है उस पे डिपेंड करता है। तो अब आती है बात कि ब्रेसेस लगाए हुए मुझे कितना टाइम हो गया, तो मुझे 3 मंथ्स, आज 5th of July को मुझे 3 मंथ्स कंप्लीट हो गए हैं ब्रेसेस के साथ। और 3 मंथ्स में कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है इसकी भी मैं पिक्चर डाल दूंगी। यहाँ पे है फर्स्ट जब मैंने न्यू ब्रेसेस लगवाए थे तब की पिक्चर, और यहाँ पर आपको मिल जाएंगे अभी की पिक्चर। तो आप इससे कंपेयर कर सकते हैं कि कितना डिफरेंस हुआ है एंड कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है। नेक्स्ट आती है बारी कि ब्रेसेस में कितना खर्चा पड़ जाता है। तो देखिए अगेन खर्चा वो भी डिपेंड करता है प्लेस टू प्लेस। जैसे मैं एक जगह गई थी जो कि एक प्राइवेट क्लिनिक था, वहाँ पर मुझे 1.5 लाख से 2 लाख तक का खर्चा बताया जा रहा था। अगेन वहाँ पे बहुत सारे ट्रीटमेंट्स बताई जा रही थी अलग अलग, तो उतनी मुझे नहीं करवानी थी ऑब्वियसली। मैं कुछ भी सर्जरी वगैरह में नहीं जाना चाहती थी, मैं सिर्फ नॉर्मल ब्रेसेस के साथ ही जाना चाहती थी। तो नॉर्मल ब्रेसेस के लिए भी कहीं पर कुछ ऐसे बताए जा रहे थे, अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाएंगे तो आपकी प्राइस और कम हो जाएगी। मैंने एक प्राइवेट क्लिनिक से ही मैं करवा रही हूँ अपनी ट्रीटमेंट, तो वहाँ पे मुझे टोटल 50,000 का खर्चा पड़ रहा है। अगर आप ट्रस्ट हॉस्पिटल्स में या गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाएंगे तो वहाँ पर आपको और कम खर्चा पड़ेगा। और चीज़ जो मैंने यूट्यूब पे बहुत देखी कि किसी ने ब्रेसेस स्टार्ट करवाने से पहले डेंटिस्ट ने उन्हें कहा था कि उनकी ट्रीटमेंट 2 साल में कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन वो ट्रीटमेंट 3-4 साल तक लंबी खींचती गई, और 3 साल या 3.5 साल तक खींचती गई, एंड अभी तक उनको ब्रेसेस लगे हुए हैं। तो इसमें डेंटिस्ट की कोई भी गलती नहीं है, बिकॉज ये डिपेंड अगेन हमारा ट्रीटमेंट कितनी जल्दी खत्म होगा ये भी हमारे टीथ पर डिपेंड करता है, एंड हम किस तरह से अपने टीथ को क्लीन रखते हैं उस पर डिपेंड करता है। अगर आपके गम्स हेल्दी होंगे तो आपके टीथ जल्दी मूव करेंगे एंड आपके ट्रीटमेंट को कम लगेगा। बट किसी किसी के टीथ बहुत ज्यादा ढीठ होते हैं, बिल्कुल हिलते ही नहीं है, तो तब डेंटिस्ट को टाइम लगता है, ब्रेसेस को भी टाइम लगता है, बिकॉज ऑब्वियसली डेंटिस्ट इज नॉट गोना पुल दैट टीथ एंड मेक देम अलाइन। नो, इट विल टेक टाइम, ब्रेसेस विल टेक टाइम। सो इस वजह से ही ट्रीटमेंट्स कई बार लंबे चले जाते हैं। तो मैं यही सजेस्ट करूंगी कि अगर आपके डेंटिस्ट आपको 2 साल का बोल रहे हैं तो आप कम से कम 2.5 ईयर्स या 3 ईयर्स तक आप मान के चलो, बिकॉज उतना अगर आप ज़्यादा एक्सपेक्ट करोगे और जल्दी खत्म हो जाएगा तो आपको खुशी होगी, लेकिन अगर आप कम एक्सपेक्ट करोगे एंड लेट टाइम ज़्यादा लगेगा तो आपको खुशी नहीं होगी, ऑब्वियसली यू विल बी अपसेट। सो ऐसा मान के चलो कि अगर 2 साल का बोल रहे हैं तो 3 साल तो लग ही जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ बात आती है एक और पॉइंट जो मैं बताना चाहती हूँ, लास्टली मैं इंक्लूड करना चाहती हूँ, अगर आप ब्रेसेस के लिए जा रहे हैं सो बी रेडी टू क्लीन योर टीथ वेरी वेल। अगर आप अपने टीथ को अच्छे से क्लीन नहीं करेंगे तो बहुत जल्दी आपको कैविटीज हो जाएंगी, ब्लीडिंग्स होंगी, एंड देखिए ब्लीडिंग्स तो नॉर्मल चीज़ है, गम से ब्लीडिंग होती है ब्रेसेस के टाइम पर, क्योंकि गम्स हमारे लूज हो जाते हैं, टीथ्स लूज हो जाते हैं एंड मूव करते हैं इधर उधर, तो ब्लीडिंग होती है थोड़ी बहुत, बट कैविटी की प्रॉब्लम ना हो उसके लिए आपको अच्छे से टीथ को क्लीन करना पड़ेगा। आप जब भी डेंटिस्ट के पास जाएँ उनसे रिकमेंडेशन ज़रूर ले लें कि क्या हमारे टीथ अच्छे से क्लीन है या नहीं। चलिए आज की वीडियो में इतना ही, और भी कुछ क्वेरीज अगर आपकी रहेंगी तो आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं उनके भी आंसर ज़रूर दूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बाय बाय।